पाकिस्तान को लूटकर ही दम लेगा चीन। ग्वादर में अवैध रूप से मछली पकड़ रहा था ड्रैगन। ग्वादर पोर्ट, जिसे चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे में मुख्य माना जाता है। यही नहीं, इसे महत्वाकांक्षी वन बेल्ट वन रोड और समुद्री सिल्क रोड परियोजनाओं के बीच एक लिंक भी माना जाता है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इसी बहाने चीन पाकिस्तान पर कब्जा करता जा रहा है। दादागिरी का आलम इस कदर है कि ग्वादर शहर के पास अरब सागर में चीन की फुल ऑन दादागिरी है। यहां चीन अवैध तरीके से मछलियां लूटने में लगा है। अपनी नैया डूबती देख पाकिस्तान ने 5 चीनी नौकाओं को जब्त कर लिया। पाकिस्तान ने यह कार्रवाई स्थानीय मछुआरों के विरोध के बाद की। चीन की यह नौकाएं बिना मंजूरी के ही मछलियां पकड़ रही थीं। चीन के हाथों ग्वादर में अपनी जमीन खो चुके स्थानीय मछुआरों को अब समुद्र में मछली पकड़ने के अपने क्षेत्र को खोने का डर बैठ गया है। मछली से लदे चीनी ट्रॉलरों को पाकिस्तान समुद्री सुरक्षा एजेंसी ने जब्त कर लिया है। वहीं चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए ग्वादर में गहरे समुद्री बंदरगाह का निर्माण कर रहा है। पाकिस्तान को अब चीनी मछुआरों की आड़ में दुश्मनों का डर सता रहा है। दोस्तों, चीन की यह नौकाएं पिछले कई हफ्तों से मछलियां पकड़ रही थीं, जिसके बाद स्थानीय मछुआरों ने इसका विरोध किया। मछुआरों ने चीनी नौकाओं पर पाकिस्तानी जल में मछली पकड़ने और मछली को वापस चीन भेजने का आरोप लगाया। स्थानीय अधिकारियों ने मामले की जांच की और मामला सही पाए जाने पर चीनी ट्रॉलरों को जब्त कर लिया। मछुआरों का मानना है कि चीनी ट्रॉलर ने ग्वादर तट पर मछली पकड़ी थी। फिलहाल इन मछलियों को ग्वादर में नीलाम करने की मांग उठी है। पाकिस्तानी मछुआरों का कहना है कि वे सदियों से यहां मछली पकड़ रहे हैं, चीनी ट्रॉलर उनकी आजीविका को खत्म कर रहा है। ग्वादर में चीन के हाथों अपनी जमीन गंवाने वाले स्थानीय मछुआरों को अब अपने समुद्री मछली पकड़ने के मैदान खोने का डर है। बता दें कि ग्वादर पोर्ट मल्टी डॉलर चीनी मेगा प्रोजेक्ट है, जिसे चीन रणनीतिक रूप से बढ़त पाने के लिए डेवलप कर रहा है। 2017 में पाकिस्तान ने एक लीज समझौते के तहत ग्वादर पोर्ट को चीन की ओर से संचालित कंपनी चाइना ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी को सौंप दिया था। पाकिस्तान के आरोप प्रत्यारोप को चाइना ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी के चेयरमैन झांग बाओझोंग ने गलत करार दिया और दावा किया कि जब्त ट्रॉलर एक तूफान से बचने के लिए आश्रय ले रहे थे। उन्होंने यह भी दावा किया कि चीनी ट्रॉलरों ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन नियमों का पालन किया है। चीनी मछुआरों का पक्ष ले रही सरकार। मछुआरे ने आरोप लगाते हुए कहा, चाहे इमरान खान की सरकार हो या फिर स्थानीय सरकार, दोनों ही चीन के मछुआरों की तरफदारी कर रही हैं। दोस्तों, अगर चीन की बात करें तो यहां सी फूड की खपत काफी अधिक है। यही कारण है कि चीन पाकिस्तान के साथ साथ अन्य देशों के सी फूड पर भी कब्जा करने में लगा है। मीडिया रिपोर्ट्स में दिए गए आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान के तटीय क्षेत्रों में करीब 25 लाख लोग मछली पकड़कर अपना जीवन यापन करते हैं। ये मछुआरे छोटी नाव का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से समुद्र में अधिक गहराई तक मछली नहीं पकड़ पाते। चीन के पास विशाल जाल होने के कारण वह पाकिस्तानी मछुआरों के मुकाबले बड़े पैमाने पर मछली पकड़ते हैं। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने बताया कि कई मछुआरे, राजनीतिक एक्टिविस्ट और नागरिक समाज के सदस्यों ने संघीय सरकार के खिलाफ एक विरोध रैली निकाली। पिछले साल मछली पकड़ने वाले चीनी जहाजों को कराची बंदरगाह पर देखा गया था, जिससे सिंध में मछुआरों में डर फैल गया था। मछली पकड़ने वाले ये बड़े और भारी भरकम जहाज न केवल मछली पकड़ते हैं, बल्कि समुद्र में मौजूद विभिन्न प्रकार के अंडों को भी नष्ट कर देते हैं। यह समुद्र तल में भारी हलचल पैदा करते हैं, जिससे समुद्री खाद्य श्रृंखला भी नष्ट हो जाती है। बीते दिनों उत्तरी पाकिस्तान में चीनी नागरिकों से भरी एक बस पर भीषण हमला हुआ था, जिसमें कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें 9 चीनी नागरिक भी शामिल थे। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक यह पूरी सोची समझी रणनीति के तहत हमला लग रहा है। इन चीनी कामगारों को दासू बांध के निर्माण के लिए ले जाया जा रहा था। इस घटना में पाकिस्तानी सेना के भी 2 जवानों की मौत हो गई। फिलहाल पाकिस्तानी सुरक्षा बल इस पूरे हमले की जांच कर रहा है।